देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, भारत को अब एक साथ जुड़ने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की बेटी को एक व्यक्ति चार साथियों के साथ किडनैप करता है, गांव के प्रधान के ट्यूबवेल पर ले जाकर गैंगरेप करता है और फिर गोली मार देता है। पुलिस रात के 12 बजे परिजनों को धमकाकर अंतिम संस्कार करवा देती। खबर सुनी सुनी सी लग रही है। आप कहेंगे ये हाथरस कांड की खबर है, और इस घिनौने कांड को आज एक बार फिर क्यों खोद कर मैं बाहर ला रहा हूं, तो सुनकर शर्म आएगी कि निर्भया कांड के 10 साल बाद और प्रशासन की गुंडई के 2 साल बाद एक बार फिर हाथरस जैसी घटना हुई है और हर तरफ सन्नाटा है, एन अटर साइलेंस। स्थानीय पत्रकार दबाव में है, नेता चुनावी रैलियों में है, बयानों में है, तड़कते फड़कते स्पीचेस में है, और परिजन बेबस है क्योंकि पुलिस ताकतवर है। और पुलिस इसलिए ताकतवर है क्योंकि अपराधियों को बचाना अब ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अपराधी एक नेता से ताल्लुक रखते हैं, और नेता भी कोई छुटबैया नहीं है यहां, बल्कि पावर में। बस यहीं से सारी ताकत का संचार हो रहा है, यहीं से पुलिस को ताकत का ट्रांसफर हो रहा है, और बुलंदशहर का एक परिवार बेबस है, और हम उस परिवार के साथ अब खड़े हैं। उस परिवार का कहना है कि उनकी लाडली को कुछ लड़के उनके घर, जो कि डिबाई गालिबपुर गांव में है, उससे कुछ दूर चारा लेने वो बेटी गई थी, उठाकर ले गए, गांव के प्रधान के ट्यूबवेल पर ले गए, गैंगरेप किया और फिर गोली मार दी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, एक आरोपी को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सौरभ शर्मा है। पोस्टमार्टम होगा, रेप की पुष्टि नहीं होगी, पॉस्को एक्ट और किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया जाता और फाइल क्लोज। तो क्या इतनी सी बात नहीं, परिवार वालों ने इस फाइल को एक बार फिर खोल दिया है। परिवार वालों ने कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाला इनका ही आदमी था, मतलब जिस आदमी ने पोस्टमार्टम किया है, जिस डॉक्टर ने, वो इनकी साइड है, निष्पक्ष नहीं है। सभी लोग अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आरोपी जो है एक जात विशेष से आता है और वोट बैंक का मसला है, क्योंकि आरोपी सौरभ शर्मा है, गांव के प्रधान के बेटे का दोस्त है, और प्रधान जी मंत्री जी के दोस्त है, और सभी एक जाति के। इसके बाद परिवार वालों ने कहा कि एक बार फिर पोस्टमार्टम करवा दीजिए साहब। वो इतना बोले ही थे कि पुलिस ने डरा धमका कर रात के अंधेरे में लाठी दिखाकर अंतिम संस्कार करा दिया। अब सवाल यह है भारतवासियों से कि पुलिस अपराधी के साथ है या पीड़ित के साथ है? 11वें दिन भी बाकी किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? शुरुआत में लड़की की उम्र बदलने की साजिश क्यों की गई थी? रात में शव को जलाना यह यूपी पुलिस का कोई नया कैरेक्टर है क्या? पुलिस ने दबाव बनाकर शव को क्यों जलवाया? अभी नेता पक्ष के विपक्ष के चुनाव में बिजी हैं, इससे नहीं आएंगे क्या? रामराज में क्या रात में शव जलाए जाएंगे, जो कि सनातन परंपरा के खिलाफ है? और सबसे अहम सवाल है कि पुलिस को घटना की सूचना किसने दी, यह बताइए, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि अपराधियों ने ही पुलिस को सूचना दी थी ताकि पुलिस अपने हिसाब से मामले को दबा सके। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में। महिला सुरक्षा के नाम पर चुनावी मौसम में ताप पैदा करते नारों का नरकंकाल मिला है। 2 साल पहले हाथरस कांड को बताती खबरों से फटे अखबार अभी तक कबाड़ में भी नहीं बिके थे कि एक और बड़ी घटना ने जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेने के बाद इस घटना को मारने की साजिशें जोरों पर हैं। हाथरस की वो काली रात आज एक बार फिर उजाले में नजर आने लगी है। हाथरस लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में एक बार फिर उस शर्मिंदगी ने जन्म लिया है, जहां एक बेटी के साथ दिन के उजाले में दरिंदगी करने का आरोप लगा है, जहां दिन के उजाले में उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अंतिम संस्कार के दिन का उजाला उसे नसीब नहीं होता। अंतिम संस्कार में परिवार से ज्यादा पुलिस की भूमिका नजर आती है, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस बचाव करती ज्यादा नजर आ रही है। बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां आरोप है कि खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई।
हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया बल्कि परिवार को धमकाकर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने की कथित रूप से मजबूर किया है। जब हम सारे लोग निकले वहां से टिंकू लेके डिवाई पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां हमने सोचा कि रात हो गई अब सुबह टिंकी की लाश को लगाएंगे, लेकिन वहां रोकते ही गाड़ी वहां एक गाड़ी पुलिस की आई तो उन्होंने हमसे बोला कि इसको अभी जलाना है और दो जवाब बनाते रहे, तरह तरह की बात बनाते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी और बुला लिया, ये पता नहीं डिवाई थाने की थी या छतारी थाने की थी सर, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे बहुत दूरी हुए हैं, वहाँ से वापस हो गए। फिर हमें मजबूरन रात को 12 बजे उसको जला दिया गया और हमसे बोलते रहे बार बार वो कि तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारी सब कंप्लेन लिखी गई हैं, सब पूरा न्याय मिलेगा तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हमें टाइम भी दे देते हैं लेकिन बार बार परेशान करते हैं, चूतिया बनाते बनाते हमें आज। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई कालिपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई, लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। किशोरी के परिजनों के मुताबिक डिबाई गालिपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वह 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरव गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी, अंदर भांजी का खून फर्श पर था, आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठा कर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा उनके परिवार का कहना है। अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का परिवार के पास फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव को रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया, परिवार का ये कहना है। इसके बाद परिवार बुलंदशहर अस्पताल पहुंचा। परिवार ने लड़की के साथ बुरा काम होने का अंदेशा जताया लेकिन पुलिस इससे इनकार करती रही। परिवार ने FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर परिवार को चुप करा दिया। परिवार का कहना है कि हमें रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया। शव को लेकर हम डिवाई पहुंचे ही थे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध। परिवार 22 जनवरी की रात को संस्कार नहीं कराना चाहता था, इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार संस्कार के लिए गड़गड़ाते रहे, लेकिन पुलिस ने कोविड के प्रावधान व कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। परिजनों व ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने अब तक मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लेड से खुद के गले व हाथ की नसें काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई रेप की धारा जोड़ दी जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धारऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धारऊ गांव में है जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गाँव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को
लड़की लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया। इलाज के बाद बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते। लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीर को सौंप दी गई। दूसरा लड़का जो लगभग 19 साल का है, उसके गांव गालीपुर डिवाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय दो लड़के साथ में थे, एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा जो धाराऊ गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत जो लगभग 19 का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहां मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है। और घर वालों के तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना अभियुक्त नामित था से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया जो मोटरसाइकिल के साथ आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच की जा रही है। मृतका के पिता ने बताया है कि अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा। फिर अचरज यह है, पिछले 11 दिनों से हमारे घर में कोई झांकने तक नहीं आया है। से चार नामजद किए, दो गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग हैं। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बचती नजर आ रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रही है कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कॉल डिटेल का दावा भी किया जा रहा है, जबकि पड़ताल में सामने आया है कि गले पर चोट के निशान बहुत गहरे नहीं है, ऐसे जैसे बहुत संभल कर सबूत के हिसाब से ही जख्म किए गए हों। आरोपी के हाथ पर कट के निशान है। आरोपी को 21 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, यहां से 27 को बुलंदशहर जिला जेल भेजा गया। अभी आरोपी को वहां अस्पताल में रखा गया है। प्रभारी डॉक्टर के सिंह के अनुसार हाथ में नस कटी हुई है, गले में हल्का सा घाव है, लेकिन कोई भी जख्म गंभीर नहीं है। अब सवाल उठता है कि रामराज का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कब तक आकार लेती रहेंगी और कब तक यूं ही बेटियों के शवों को रात के अंधकार में चलाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
अगली खबर जो आपको बता रहा हूं ये हाथरस से मिलती जुलती लग रही है। ऐसे में अब पूरा देश, दर्शकों पूरा देश, पूरा भारत उबाल में एक बार फिर, क्योंकि सरकारी तंत्र, पुलिसिया तंत्र आरोपी बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को घेर लिया है, पुलिस से सवाल कर रहे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया गया, जो पीड़ित है उन्हीं को क्यों डराया गया, उन्हीं को क्यों धमकाया गया, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों किया। पीड़ित परिवार अब पूछ रहा है, आंख में आंसू लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर पूछ रहा है, साहब ऐसा क्यों किया। और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि अपराधी जो कि प्रधान के बेटे का दोस्त है और प्रधान जो एक विलेज का चीफ होता है, वो दरअसल वहां पर जो सिटिंग पावर में जो पॉलिटिशियन है उनके काफी करीबी है, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। तो क्या एक तरफ जब सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, जब एक तरफ सरकार यह कहती है कि महिलाएं रात में अंधेरे में कभी भी कहीं भी बेकौफ होकर जा सकती है, तो क्या ऐसी खबरारें, ऐसी खबरें सोचने पर मजबूर नहीं करती? ये आखिर के साथ इतनी और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से उस बेटी को स्पष्ट न्याय नहीं मिल पा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ एकदम टू बी एग्जैक्ट हो, लेकिन आरोप जो उसके घर वाले लगा रहे हैं उनको भी बिल्कुल डिसमिस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पुलिस जो स्टोरी क्रिएट कर रही है, परिवार वाले क्यों रात में अपनी बेटी के शव को जलाएंगे जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, और परिवार वाले कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जब पहली बार उसको देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ हैवानियत हुई हो, पुलिस उन सब बिंदुओं पर, उन सब पर जांच क्यों नहीं कर रही? जब जयंत चौधरी ट्वीट करते हैं तब पुलिस क्यों एक्टिवनेस दिखाती है, उससे पहले क्यों नहीं दिखा रही? और अभी भी पुलिस घिरती हुई क्यों नजर आ रही है? पुलिस ने जैसा कि आरोप है कि पहले तो बेटी के शव को परिवार को दिया, फिर पीछे से पुलिस गांव में क्यों पहुंची, क्यों पहुंची गांव, और गांव में पहुंचने के बाद परिवार से क्यों कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसको रात में ही जला दीजिए बिना रीति रिवाज के। और पुलिस जो स्टोरी क्रिएट कर रही है व्यूअर्स, पुलिस की स्टोरी यह है, आई एम सरप्राइज्ड कि पुलिस ने यह स्टोरी कही है कि पहले उसने उस लड़की का मर्डर किया क्योंकि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, फिर अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि गले पे बहुत मामूली सा निशान था जिसको देखकर ऐसा लगता है कि बड़ा सोच समझकर इसको क्रिएट किया गया। और अगर ऐसा था तो फिर पुलिस ने इस बिंदु पर जांच करने के बजाय इस स्टोरी को इतना ज्यादा खुलकर क्यों बताया कि प्रेम प्रसंग था, उसने मार दिया, वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, इंस्टेड कि पुलिस ने आरोपी को पूरी सख्ताई के साथ इंटेरोगेट क्यों नहीं किया, व्हाई? और पुलिस अभी तक जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, 11 दिन हो चुके हैं इस घटना को हुए व्यूअर्स, 11 दिन अभी तक पुलिस ढंग से सभी को पकड़ भी नहीं पाई। जिन जिन लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए था, जिन जिन लोगों को इंटेरोगेट किया जाना चाहिए था, अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर, बहुत दूर।
और अब हम इस स्टोरी को छोड़ने वाले हैं। बीट हाथरस, बीट बुलंदशहर, बीट मेरठ। हम हाथरस में भी थे, हम दिन रात वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको दिखा रहे स्टोरी, मिनट टू मिनट स्टोरी दिखा रहे, प्रशासन से लड़े थे, भिड़े थे। और अब जब बुलंदशहर की घटना को, जब सारा मीडिया नेताओं की रैलियों को कवर कर रहा है, उनके बाइट ले रहा है, उनके बयानों को दिखा रहा है, उनकी स्टोरीज को दिखा रहा है और बेवजह की बहसों में उलझ रहा है, तब हम बुलंदशहर की रोजाना जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, विल कंटिन्यू आवर स्टोरी। और कल हमारा रिपोर्टर फील्ड पर, ग्राउंड पर जाकर एक एक तथ्य को लेकर आएगा आपके साथ। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा, चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़े ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्था। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।